Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Ghaffar Thakur from Government Girls High School, Kalamabad, Education Zone, Mawar. मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस थ्योरम को गौर से सुनी देखेंगे, घर में प्रैक्टिस भी करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन बेसिक ज्योमेट्री. द थ्योरम जो है ये है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल होते हैं इसमें तीन एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है. अब हमें ये प्रूव करनी है, यानी कि सबूत के साथ साथ लॉजिक देना है, प्रूफ देने हैं, दलाइल देने हैं कि किस तरह ये जो सम होता है एंगल्स का ट्रायंगल के 180 डिग्री के बराबर होता है. यह हमें थ्योरम जो है थ्योरम का जो मान्य है इसमें हमें कुछ प्रूफ्स लिखने होते हैं, देने हैं. हमें जो दलाइल होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, वो हमें पेश करने होते हैं, पर दिखाने पड़ते हैं हम पर इस तरह से, ताकि ये हमें पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि उसूक से हमें ये मतलब ये पता चलेगा कि वाकई जो हम यहाँ लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं या प्रूव कर रहे करने जा रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर रियली ट्रू एंड दे वुड रिमेन ऑलवेज ट्रू. जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, ये पता है हमें. प्रूव करना कैसे, किस तरह 180 के बराबर होते हैं, इट इज थ्योरम में हमें पहले इतने होते हैं गिवन. जो पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं इसको हम लिखते हैं गिवन, दिया हुआ. क्या क्या चीजें हमें यहां पर पहले ही ऑलरेडी मतलब गिवन है, दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमें इतना ही दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, बस ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन. यहां पर मैंने बताया लिखा यहां पर बनाया है ट्रायंगल एबीसी. हम दूसरे इसका नाम दूसरे मतलब कोई और ट्रायंगल भी बना सकते हैं, उसका नाम कुछ और रखेंगे. ये जरूरी नहीं है कि हम एबीसी रखेंगे, कुछ और नाम भी रख सकते हैं. एबीसी इज ए ट्रायंगल गिवन. इसका मैंने डिनोट किया है थोड़ा मतलब ये आसानी के लिए, टू गेट इजी. इस जो यहां पर एंगल ए है इसका मैंने लिखा है एंगल 1, इसका एंगल बी का नाम मैंने यहां पर लिखा है 2, इसको मैंने सी को डिनोट किया है 3 से, ताकि आप मतलब इजी आसानी से थोड़ा समझ पाएंगे. तो प्रूव क्या करना है हमें यह प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180. अगर हम एंगल 1 का कंप्लीट नेम रखेंगे लिखेंगे यहां पर, दैट इज बी ए सी और सी ए बी. इसका नाम है कंप्लीटली ए बी सी और सी बी ए. इसका जो कंप्लीट नाम है फुल ए सी बी और बी सी ए, या तो ये बीच में होना चाहिए. हम शॉर्ट लिखेंगे एंगल 1 2 3, ये आपको समझ अच्छी तरह आ रहा होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें टू प्रूव यानी प्रूव करना है, साबित करना है. अब हम थोड़ा इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा और कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनावट से कहते हैं उर्दू बनावट, यानी कि इसमें थोड़ा ऐड करेंगे क्या क्या करेंगे. जो ये है यहाँ पर जो पॉइंट ए है ऊपर, पॉइंट ए यानी एंगल 1 जो है, ए वर्टिकस जो है, थ्रू पॉइंट ए और थ्रू वर्टिकस ए वी ड्रॉ ए लाइन एल एम पैरेलल टू बी सी. ऐसे लिखेंगे हम ड्रॉ एल एम, ऐसे जो ये लाइन है एल एम पैरेलल टू बी सी. अब हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ एल एम जो है थ्रू ए, ए के थ्रू से यानी कि ए से वो गुजरने चाहिए पॉइंट ए से, यहाँ से ए पॉइंट से एल एम को हम ए से ए पॉइंट से गुजर कर एल एम को हम बी सी पैरेलल डालते हैं. एल एम को हम बी सी को बी सी के साथ पैरेलल रखते हैं, यानी कि ड्रॉ एल एम पैरेलल टू बी सी. अब ये जो लाइन्स हैं, जो दो साइड्स हैं, जो एल एम ये लाइन
जो थ्रू ए से मतलब पास हो जाता है एल एम और बी सी, ये लाइनस दे आर पैरेलल लाइनस, दे आर पैरेलल लाइनस। पहले बच्चों आपको ये पहले ये मालूम होगा कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेलल लाइंस में। पहली जो प्रॉपर्टीज होती है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हम यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, यानी इसके मतलब इसका लाभ उठाएंगे। जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सपोज ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ऊपर से हम एक ट्रांसवर्स डालते हैं जो ये यहां पे जो एंगल इस साइड जाए और ये एंगल जो यहां, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल। इस तरह इस जगह जो ये एंगल होगा और ये एंगल ये भी बराबर होंगे, दे आर आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल इक्वल। यहां पर हम देखते हैं, देखिए यहां पर हम ये देखते हैं जो एंगल 4 है और एंगल 3, क्योंकि ये लाइन एल ए एम जो लाइन ये है और ये लाइन दे आर पैरेलल लाइंस, एसी यहां पर बनता है ट्रांसवर्सल, इनको काटता है, लिहाजा एंगल 4 एंगल 3 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स सो दे आर इक्वल। यह देखिए हम इसके प्रूफ में एज लाइन एल एम इज पैरेलल टू बी सी therefore angle 4 is equal to angle 3, ठीक है। इसी तरह यह लाइन फिर हम इसका मतलब रिपीट करेंगे, LM is parallel to BC, यहां पर जो AB है ये यहां पर ट्रांसवर्सल है, ये AB यहां पर ये AC ट्रांसवर्सल था इस इन्हीं दो पैरेललाइंस में, यहां पर AB है ट्रांसवर्सल, लिहाजा angle 5 is equal to angle 2, angle 5 is equal to angle 2, यानी कि ये दो एंगल्स दे आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दीस टू एंगल्स दे आर आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर आल्सो इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहां पर लिखिए ब्रैकेट में हम उनका जो मतलब ये क्यों है ये व्हाई दे आर इक्वल यहां लिखिए हम इसका जवाब ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नाउ फिर हम थोड़ा रिपीट करेंगे, मतलब जो पिछले लेक्चर मैंने बताया जब हम कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें एक ही जगह से हम कितने भी एंगल्स हम बनाएंगे, द सम ऑफ दीज एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर हम नीचे जाए नीचे भी बनाएंगे कुछ एंगल, यहाँ पर देखिए यहाँ डाउनवर्ड्स यहाँ पर हम दो चार एंगल्स बनाएंगे इस लाइन में, इस लाइन पर ये उनका भी सम होगा 180। इस तरह देखते हैं एल ए एम जो है स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे जो एंगल है 3, यहाँ पर 3 एंगल उसके नीचे है लीनियर एंगल्स, एंगल 4 1 एंड 5 द सम ऑफ दीस 3 एंगल्स इज 180। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। हम लिखेंगे डायरेक्ट अंदर जो आप लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये हमने पहले ही आपको मैंने समझाया है, बताया है कि लाइन के एक ही जाने कितने भी एंगल्स हो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है एंगल 1 तो यहाँ इस ट्रायंगल का एंगल है एंगल 1, यहाँ जो एंगल 5 है एंगल 5 के बाद लिखेंगे एंगल 2 बिकॉज दे आर इक्वल एंगल्स, यहाँ पर एंगल 5 के बाद यहाँ लिखेंगे एंगल 2, एंगल 1 तो ऑलरेडी ट्रायंगल का ही एंगल है। जो एंगल 4 है ये इक्वल है एंगल 3 के, लिहाजा हम एंगल इंस्टेड ऑफ एंगल 4 वी विल राइट एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी विल अरेंज दिस, एंगल 1 पहले लिखेंगे, एंगल 2 बैक में, लास्ट में एंगल 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चों अब हमें इसका प्रूफ निकाला है, जो हमें प्रूफ कर रहे थे ना ये तीन एंगल उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, हमने निकाला कैसे उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर इसे फिर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।